हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकल गेट लर्निंग। 12 थियरीज हम कर चुके हैं, 13th की आज बात करेंगे, ट्रायार्किक थियरी जी स्टर्नबर्ग की है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन्होंने जो कंपोनेंट्स दिए हैं या फिर हम बोले कि तीन टाइप की इंटेलिजेंस की जो इन्होंने बात की है उसके बारे में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट नाम से कि ये किसने दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकल गेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और फ्री में मैं जो है अच्छा कॉन्टेंट आपको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए। तो ट्रायार्किक थियरी है जी, एक तो नाम से ही याद रखिए कि ट्रायार्किक थियरी जहां आ जाए आपको नाम पता हो कि भाई स्टर्नबर्ग है। ओके, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में इसको प्रपोज किया था। उनके व्यूज क्या थे इंटेलिजेंस पे? तो इंटेलिजेंस को ये ऐसे मानते थे कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है किसी भी चीज को अडेप्ट करने के लिए, शेप करने के लिए और एनवायरमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आपके जो गोल्स हैं या किसी भी सोसाइटी में या कल्चर में जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सके। ठीक है, सो ये अडेप्ट और शेप या सिलेक्ट करने की एबिलिटी को ही इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। उसमें ये तीन बेसिक टाइप्स देते हैं इंटेलिजेंस के। इससे पहले और भी बहुत सारी थियरीज हमने की हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो मेक श्योर आप उनको देख लें, बिकॉज आपको एक डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं मल्टीपल फैक्टर थियरी कौन सी है या ग्रुप फैक्टर थियरी किसने दी है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें गड़बड़ा जाएंगी चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो तीन बेसिक टाइप होते हैं जी इंटेलिजेंस के, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल भी प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं इसको बहुत बार, एक्सपीरियंशियल को क्रिएटिव बोल देते हैं और जो कॉम्पोनेंशियल है उसको एनालिटिकल बोल देते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव नाम है ये भी आपको पता हो, और ये तीन के तीन नाम आपको याद रखने हैं। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बुक स्मार्ट से आप याद रख सकते हैं कि आप कोई चीज अचीव करना चाहें या चीजों को एनालाइज कर पाएं, रिलेट कर पाएं, सो बुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस है या पढ़ने पे ज्यादा फोकस है, ऐसा लगा सकते हैं। जैसे एक होता है ना स्ट्रीट स्मार्ट, कि जिनमें कॉमन सेंस थोड़ी ज्यादा है वो ऐसे चालू वाले लोगों को हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल देते हैं, तो ये बुक स्मार्ट होंगे और इसको कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलेंगे। इसमें एबिलिटी आ जाएगी सोचने की क्रिटिकली और एनालिटिकली। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको ज्यादा हम एकेडमिक अचीवमेंट से कनेक्ट करके देखते हैं, इसलिए हम इसको बुक स्मार्ट बोल देते हैं। तीन कंपोनेंट्स रहेंगे इसके, तीनों आपको याद रखने हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जिसमें आप नई नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। ओके, सो मीनिंगफुल एक्विजिशन होना चाहिए कोई भी नई इंफॉर्मेशन का, यानी कि नई इंफॉर्मेशन जब आपको मिले तो आप उसको मीनिंगफुली एक्वायर करें, यानी आप उसका मतलब पता है, आपको समझ आई हुई है चीजें, आप जो एग्जिस्टिंग मेमोरी में जो भी नॉलेज एग्जिस्ट करती है, जो चीजें आपको पहले से पता है उससे आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं और तब जाके आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट जो है वो किसका रहेगा, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस का। इसमें ये भी बोल रखा है जैसे एनकोड करें, फिर कंबाइन करें और कंपेयर करें दोनों इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो एक तो वो होता है ना, मतलब पहले से आपके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, फिर थोड़ी सी किसी और ने बता दी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद, कंपेरिजन के बाद आपने एनालाइज किया और फिर एक फाइनल एक्विजिशन हुआ नॉलेज का कि भाई बात तो सही ये है। ठीक है, तो वो नॉलेज को एक्वायर करना हो गया। देन है मेटा कॉम्पोनेंट्स, नॉलेज अबाउट वन्स ओन थिंकिंग। तो जहां पे जैसे मेटा कॉग्निशन हम बोलते हैं ना, तो इट्स लाइक कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, कि जो चीज आप सोच रहे हो उसके बारे में सोचना, तो वो खुद की ही थिंकिंग के बारे में रिफ्लेक्ट बैक करना मेटा कॉग्निशन कहलाता है। ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको मेटा कॉग्निशन का मतलब पता होना चाहिए। तो मेटा कॉग्निशन मतलब अपने बारे में, अपनी ही थिंकिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो वो मेटा होगा, दूसरे की के बारे में नहीं हो रही बात। ओके, सो नॉलेज अबाउट वन्स ओन थिंकिंग, दैट इज हाउ वन डायरेक्ट्स वन्स ओन थिंकिंग, कि खुद को ही आप कैसे कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे इंफॉर्मेशन को और इवेल्युएट करेंगे आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, सो ये उसके बारे में बात है। तीसरा रहेगा परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज असेंबल्ड बाय मेटा कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई है, चीजें सोची हैं, यहाँ पे उसको अप्लाई कर देना या फिर उसको क्या बोलते हैं इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, सो परफॉर्मेंस कंपोनेंट हो जाएगा ये हमारा। सो ये तीन कंपोनेंट्स, कॉम्पोनेंशियल या फिर ये जो हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, इसके टाइप्स हैं, ये तीनों के तीनों आपको नाम याद रखने हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए।
दूसरा होगा एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वो तो क्या था, बुक से रिलेटेड हम एकेडमिक अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, यहाँ पे क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस है। और अगर आपने 11th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो मेरी क्लासेस देखिएगा 11th क्लास के लिए। तो वो जो है ना चीजें जो मैंने 11th क्लास की साइकोलॉजी कराई थी उसमें भी मैंने आपको क्या करवाया था, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट करवाया था। उसके अलावा बीएड के दौरान भी मैंने आपको क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट करवा रखा है, ठीक है। सो क्रिएटिविटी की जब भी बात आती है ना तो दो मेजर चीजें दिखेंगी आपको, एक ऑटोमेशन और एक नोवेलिटी। ऑटोमेशन मतलब कुछ एक एस्पेक्ट में जो आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो ऑटोमेटिक, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोवेलिटी क्या होगा, नई चीज, कुछ नया लेके आना, नए आइडियाज के साथ आना। तभी तो वो होता है ना कि अरे ये तो बड़ा क्रिएटिव आइडिया था। तो वो क्रिएटिव आइडिया का मतलब क्या है कि वो नया था, ओरिजिनल था, ओके। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल चीजें होंगी यहाँ पे, ओरिजिनल स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, ठीक है। सो ओरिजिनल होंगी, नोवल होंगे आइडियाज जो होंगे इस तरीके की इंटेलिजेंस में। सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स। तो नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है पहले के एक्सपीरियंसेस को यूज करके कुछ नया आइडिया, नई तरकीब निकाल रहे हैं, वो रहेगी आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। वो आपकी जो है वो शो हो ही जाएगी कि आप जो है कितने ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशन। तो क्रिएटिव का मतलब ही ओरिजिनल और नया होता है, ओके। सो क्विकली यू कैन फाइंड आउट व्हिच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन द गिवन सिचुएशन, कि कोई भी नई सिचुएशन आपके सामने आई है उस नई सिचुएशन में कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, कैसे आपको नए आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, वो सारी चीजें इस तरीके, अगर किसी में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, वो नए आइडियाज सोच सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है इनसाइट की कि वो देख सके, सोच सके चीजों को, ओके। थर्ड रहेगा जी कॉन्टेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या आएगी, इट इज द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस। तो प्रैक्टिकली आपके जो जो लाइफ में आप चीजें फेस करते हैं उनसे कैसे स्मार्टली हैंडल करना है चीजों को, इसीलिए इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस भी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि ये लड़की बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट है या फिर ये लड़का बड़ा चालू है, तो वो चालू वाली चीज ना कई बार स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड जो है वो एग्जैक्ट उनके लिए अच्छा होता है कि वो अपना काम निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकली उनको पता है कि कैसे फ्रेंड्स के साथ भी बैठना है, कैसे अपना काम भी कंप्लीट करना है, कैसे जो है पेरेंट्स को भी संभालना है या उन्होंने कुछ काम दिया है तो वो भी करना है मिडवे, तो वो उनको पता होता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। सो पर्संस हाई ऑन दिस एस्पेक्ट इजीली अडैप्ट टू देयर प्रेजेंट एनवायरमेंट, वो इजीली अडैप्ट कर जाएंगे। चाहे वो, कई बार होता है ना हम कई स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि ये तो ना टीचर को ऐसे मक्खन लगाते रहते हैं, तो वो बच्चे वो उनके वो उस तरीके के स्टूडेंट्स होंगे ना, वो टीचर से भी स्मार्टली बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, वो बच्चों से भी अच्छे फ्रेंड्स भी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, क्योंकि वो सबसे पोलाइटली और स्मार्टली बात करते हैं, पता भी नहीं चलता अगले वाले को कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रीट स्मार्टनेस होगी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उनमें है, ओके। सो इसमें अगर हम बात करें तो तीन चीजें दिखेंगी, एक तो वो इजीली अडैप्ट कर लेते हैं, अडैप्टेशन, शेपिंग दिखेगी और सिलेक्शन दिखेगा, ठीक है। सो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इट स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट पर्सन्स एक्सपीरियंस। तो ये दोनों चीजें यहां देखने को मिलेंगी। एडेप्टेशन में क्या होता है, आप अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नए इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। शेपिंग अकर्स व्हेन वन चेंजेस वन्स एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। जब आप अपने अकॉर्डिंग अपना एनवायरमेंट चेंज करते हैं, यहां पर आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुए, तो एडेप्टेशन शेपिंग में आ जाएगा कि एनवायरमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग शेप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और सिलेक्शन में रहेगा जहां पर आप एक कंप्लीटली नए एनवायरमेंट को रिप्लेस कर देते हैं पहले वाले एनवायरमेंट से, यानी यहां पे हमने एनवायरमेंट ही नया सिलेक्ट कर लिया, ओके। सो ये रहेगा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो एक जो स्टर्नबर्ग है उनकी एक और थियरी है जी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया जाता है, जैसे पहले आप एनकोड करेंगे चीजों को, उनको मैपिंग, अच्छा नहीं, यहां पर एक चीज तो कुछ तो मिसिंग है आई थिंक। एनकोड करने के बाद आप चीजों को समझेंगे, ट्राई करेंगे समझने की, देन मैप करेंगे, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ में देन एप्लीकेशन, अप्लाइंग द इनफर्ड रिलेशनशिप, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, और लास्ट में आप जो है एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप देंगे। तो ये कॉन्टिन्यूटी में, अगर आप में थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, तो ये अगर सीक्वेंस में लगाने आ गए किसी भी एग्जाम में तो आप इनको मैनेज कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थियरी भी एक बुक में मेंशन थी थोड़ी सी, तो मैंने ये भी आपको बता दी कि अच्छा स्टर्नबर्ग ने ये भी दी थी,
ठीक है जी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग. कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ दीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज.